बालोतरा में मजदूरी बढ़ाने की मांग को धरने पर बैठे मजदूरों का धरना व प्रदर्शन सोमवार को भी जारी रहा। सोमवार को धरनार्थियों ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया। रैली को आरएलपी पार्टी ने समर्थन देते हुए कस्बे में रैली निकालकर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। बालोतरा से अनिल वैष्णव की रिपोर्ट। बालोतरा में मजदूरी बढ़ाने की मांग को लेकर धरने पर बैठे मजदूरों का धरना प्रदर्शन सोमवार को भी जारी रहा। सोमवार को धरनार्थियों ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया। रैली को आरएलपी पार्टी के समर्थक देते हुए कस्बे में रैली निकालकर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। रैली बालोतरा के कई मार्गों से होकर गुजरी व अपनी मांगों को लेकर सरकार का घेराव किया। रैली में आरएलपी प्रदेश महामंत्री उम्मीदाराम उदाराम थान सिंह डोली ने संबोधित किया और मजदूरों की मांग को वाजिब बताया। औद्योगिक क्षेत्र में उपखंड कार्यालय तक आयोजित रैली में सैकड़ों की संख्या में मजदूरों ने भाग लिया। कंपनी वाले ऐसा बोल रहे हैं कि एक्सीडेंट हुआ था। हम जब सुबह आए तो यहाँ कोई एक्सीडेंट के लिए टेलर नहीं था, ना कुछ, ना पुलिस थाने में कोई टेलर वगैरह है। कंपनी वालों ने यहाँ से वो बॉडी उठा दी और ना हमें किसी घर वालों को बुलाया। जिस समय फोन किया मनोज सिंह ने, कमराज सिंह जिसकी मृत्यु हुई उसी के ऊपर फोन किया था इसने मनोज सिंह ने। मनोज सिंह को बोला गया कि भाई हम आ रहे। मनोज सिंह बोला साहब हम आ रहे, हमारे गाँव शाजियाली है, इनका रिश्तेदार यहाँ शाजियाली में रहते हैं। सब 2 किलोमीटर डिस्टेंट है, पुलिस ले गई। परिवार वाला कोई मौके पर नहीं था। सुबह से हम बैठे, एक कंपनी वाला यहाँ नहीं आया। कंपनी वाला जब आता है, जब कॉन्ट्रैक्टर कंपनी कहती है साहब ये धरना कर रहे हैं, इनका पेमेंट नहीं देना है, तब एसपीसीएल आती है। अब एसपीसीएल कहाँ है? मजदूरों के हम साथ में हैं। मजदूर संगठनों ने हमें बोला कि हमारे इस आंदोलन के हमारा सपोर्ट करो, तो हम उनकी सपोर्ट करने के लिए आए हैं और जब तक इनकी जायज मांगे नहीं मानेंगे तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। गौरतलब है कि पिछले कई दिनों से मजदूर अपनी मजदूरी बढ़ाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं मजदूरों ने कई बार मजदूरी बढ़ाने की मांग को लेकर ज्ञापन भी सौंपे, लेकिन समाधान नहीं होने पर आखिरकार मजदूरों ने आंदोलन का रुख अपनाते हुए धरना प्रदर्शन शुरू किया। मजदूरों ने बढ़ती महंगाई का हवाला देते हुए जीवन यापन करना मुश्किल होना बताया। रैली के दौरान बड़ी संख्या में मजदूर मौजूद रहे।